बस इसमें आज हम आपको सवैये जिनके कवि रसखान हैं इनके विषय में बता रहे हैं। अब तो हम देखिए रसखान, रसखान यदि सीधा नाम को देखें, नाम से ही हम इसको जाने तो रस खान, रस की जो खान है, रस के खजाने, उसे हम रसखान कहते हैं। ये सारी चीजें जो है मूलतः सारे के सारे जो अर्थ हैं वो इस प्रकार से हम खोजते रहते हैं। इसमें रसखान जो है उन्होंने सवैये लिखे और उन सवैयों में रस भरा पड़ा है, इतना आकर्षण है, इतना रस है, इतना प्रेम भरा हुआ है कि हम उन्हें हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रसखान, एक बहुत बड़े कवि हैं, उन कवि के विषय में आपको थोड़ा बताते हैं। कवि इनका जीवन परिचय और रचनाएं ये थोड़ा संक्षिप्त रूप में ही देखेंगे, संक्षिप्त ही रहेगा इसमें, उसके बाद हम आपको इनका पाठ के विषय बताएंगे, पाठ परिचय बताएंगे। और पाठ परिचय के बाद पाठ का अर्थ सारांश। सारांश तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में इनका जो कवि हमारे रसखान है इनके जीवन के विषय में विचार करते हैं कि जीवन के विषय में देखते हैं कि कवि हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त, ये एक मुस्लिम कवि हैं, इन्होंने हमेशा कृष्ण के विषय में ही बखान किया, उनका ही वर्णन किया और ये एक सूफी मार्गी कवि माने जाते हैं। ये सन्यासियों की तरह, महात्माओं की तरह, इस तरह फकीरों की तरह रहते थे, फकीर थे और ये केवल कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण को मानते थे और उन्हीं के विषय में इन्होंने प्रेम के विषय में ही लिखा है, जो भी लिखा है प्रेम के विषय में लिखा है। तो धीरे धीरे इनके विषय में आगे हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कक्षा जो है, क्लास जो है वो बढ़ती जाएगी, उसके बाद इससे बहुत अधिक इनके विषय में विस्तृत रूप में आपको बताएंगे धीरे धीरे क्लास के हिसाब से। अब इसी प्रकार से ट्वेल्थ में हम इनके विषय में बताते हैं तो बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो इन्होंने सारा का सारा जो ग्रंथ लिखे हैं वो प्रेम से संबंधित लिखे हैं। तो इसमें ये कृष्ण भक्त रहे, कृष्ण के भक्त थे और ये रसखान कवि का जो जन्म है 1548 में हुआ। इनका मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम था और इनका जन्म जो है
वो राजवंश के संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में पठान परिवार के रहने वाले थे, जो संपन्न परिवार था और राजवंश से संबंधित था। राजा का जो परिवार होता है राजवंश, उससे संबंधित पठान परिवार से इनका जन्म हुआ, पठान परिवार में इनका जन्म माना जाता है। और इस प्रकार से वह परिवार कहाँ रहता था, दिल्ली में। तो दिल्ली में वह रहते थे और मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में मग्न रहे, आजीवन लीन रहे कि कृष्ण भक्ति ही इन्होंने हमेशा की है। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना करके उन्हें दीक्षा दी। तो इसी प्रकार से इन्हें कहते हैं कि वे ब्रज भूमि में आकर रहने लगे, दीक्षा इन्होंने ली। और दीक्षा लेने के बाद ये ब्रज भूमि जो थी वहां पर रहने लगे। और रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय बताते हैं केवल कृष्ण भक्ति था। और कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे हर प्रकार से हर समय मुग्ध रहते थे। कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, जहां पर कृष्ण रहे हैं उस स्थान को हर प्रकार से ये चाहते थे, उसे देखना चाहते थे, उन वस्तुओं को भोगना चाहते थे, उन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हर समय उन्हीं वस्तुएं स्थानों के विषय में विचार करते रहते और उन्हीं में लीन रहते। तो कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, उनकी बांसुरी, गायें, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदंब के पेड़, उनकी लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते थे। उनकी वस्तुओं से, स्थानों से, हर तरह से, जहां जहां भी उन्होंने लीलाएं की, उन सारे स्थानों वस्तुओं से ये विशेष लगाव रखते थे, विशेष प्रेम रखते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। इनकी भाषा मधुर भाषा है, सरल है, सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का जो प्रयोग है वह नहीं है, कठिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इसलिए ये कवि जो हैं, इनका एक सूक्ष्म संक्षिप्त परिचय जो है ये रहा। तो रचनाएं इनकी विशेष रूप से सुजान इन्होंने रचा, रसखान, सुजान रसखान के नाम से। और प्रेम वाटिका इन्होंने ये ग्रंथ रचे। और इनके पाठ के विषय में यदि विचार करें तो ये जो हमारा सवैये नाम से पाठ दिया है, इस प्रस्तुत पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रज भूमि एवं कृष्ण के प्रति विशेष रूप से अनुराग प्रकट होता है। उसमें देखा जाता है कि उनका अनुराग, उनका प्रेम, उनका लगाव कितना है, ब्रज भूमि से कितना लगाव है। तो ब्रज भाषा का सहज एवं मनोहर रूप जो है, और सवैया जो छंद है उनकी गीतिमयता अर्थात गाने जो गाए जा सकते हैं, और लालित्य का दर्शन हमें इन सवैयों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार भावों की जो स्वाभाविकता है, जैसे जैसे भाव होते हैं उस स्वभाव के अनुसार ही वे उसे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने वर्णित कर देते हैं। तो इस प्रकार से वे वर्णन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो सजीव वर्णन कर रहे हो, ऐसा सजीव वर्णन जैसे जीव आमने सामने बैठे बातें कर रहे हो, या वस्तुओं को ऐसा सजीव बना देते हैं कि जिससे प्रत्यक्ष में वो ऐसे दिखाई देने लगते हैं जैसे वह आमने सामने बैठे प्रत्यक्ष में ही एक दूसरे को देख रहे हो। तो ऐसा सजीव वर्णन ये करते हैं। तो यहां ये स्वाभाविक एवं सरल सहज
अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है। ये उनकी कविताओं की विशेषताएं हैं, ये विशेष बात है। तो इसी प्रकार से वो इन सभी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, रूप का जो माधुर्यपन है वह ब्रज महिमा, ब्रज की महिमा, उसका वर्णन, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है, इन सब का इन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण, राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनका इन्होंने वर्णन किया, ब्रज महिमा का इन्होंने वर्णन किया, और कृष्ण जो है उनके रूप का वर्णन इन्होंने किया, वो सहज इन्होंने सभी वर्णन किया है। तो मैं अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध माने जाते हैं, इन सब वर्णनों के लिए जितने प्रसिद्ध माने जाते हैं, उतने ही अपनी भाषा की इनकी मार्मिकता जो है अर्थात मर्म को बताने वाले, मर्म तक पहुंचने वाले, वास्तविकता तक पहुंचने वाले जो हैं, ये सहज ये अंदर तक पहुंच करके उसकी वास्तविकता का बखान करने वाले हैं। ऐसी मार्मिकता, शब्दों का चयन करना, शब्दों को जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, जो सहज सरल शब्द हैं और अच्छे सुंदर शब्द लगने वाले हैं, उन शब्दों का चयन करने वाले, प्रयोग करने वाले, उनका प्रयोग करने वाले और तथा ये हर प्रकार से शैली का प्रयोग करने वाले इस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो आगे हम इनके सवैये देखते हैं। ये आपका वह तो सवैयों का, मानुष हो तो वही स्थानी बसाओ ब्रज गौतुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो बसु मेरो चरों नित नंद के धेनु मझारन, पहान हो तो वही गिरी को जो करियो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग पांव को बसे हो करम मेरे कारे दे कूल कदम बकी डालन। ये इनका सवैया है और इसमें हमें देखना है, सबसे आपके यहाँ वैसे भावार्थ नहीं आता है, ये जो है भावार्थ ये आता नहीं है, लेकिन अचानक यदि आ जाए तो घबराना भी नहीं है, आएगा नहीं। जो हमने बताया कि आपके सामने काव्यांश लिखा हुआ होगा, कोई भी काव्य लिखा हुआ होगा, उसके नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, तो उनके उत्तर आपको उसी ही अर्थ के अनुसार देने हैं, जो उसमें अर्थ है काव्यांश के अंदर, जो अर्थ है काव्यांश का, जो अर्थ है उसी ही अर्थ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक। तो इसमें अलग से भावार्थ या व्याख्या करने के लिए नहीं आती है, वो अलग से शुरू होती है। तो इसमें मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद के धेनु मझारन, पान हो तो वही गिरी को जो कियो भरी छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली काली दे कूल कदम बकी डारन। ये हमारा सवैया। तो इसमें केवल यहाँ पर कहते हैं कविवर जो रसखान हैं, उन्होंने अपने प्रथम सवैये में इसमें कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण करने की बात कही है। कवि को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जो हैं, उनसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वह युग युगांतर तक उनकी ही समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समीपता अर्थात उनकी ही नजदीक रहना चाहते हैं। महाकृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण ने जो जो वस्तुएं प्रयोग की हैं, जिस जिस स्थान को प्रयोग किया है लीला के लिए, जिस जिस स्थान को उन्होंने नियुक्त किया है, राधा के साथ में, गोपियों के साथ में जहां जहां उन्होंने लीलाएं की हैं, उस स्थान के ये नजदीक रहना चाहते हैं। गौओं गांव को उन्होंने, गौओं को उन्होंने चराया, ग्वाल बनकर के चराया, उस स्थान पर गौओं के बीच रहना चाहते हैं।
कलम के पेड़ पर उन्होंने लीला की, तो पक्षी यदि बन जाए तो पक्षी बनकर के उस कलम पर रहना चाहते हैं। वही यहां पर मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बन जाऊं तो बसऊं, अर्थात कहां बसूं, ब्रज गोकुल गांव के गवालन, जो ब्रज गांव के वाले हैं, जो गौओं को चराते हैं, उनके बीच बसूं, अर्थात उनके बीच में रहूं। आगे कहते हैं जो पशु हो तो कहां बसु में रहूं। कहते हैं यदि मैं पशु बन जाऊं तो कहां बसूं, चराऊं नित मेरो चराऊं नित नंद की धेनु बजारन, अर्थात यदि मैं पशु बन जाऊं तो नंद की जो गायें हैं उनके बीच में ही चरा रहूं, उनके बीच रहूं। पहाड़ हो तो यदि पत्थर बन जाऊं तो वही गिरी जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उठाया था, उसी पहाड़ का पत्थर बन जाऊं। और जो खग हो तो बसे हो, और यदि मैं खग बनूं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, अर्थात बसा करूं, मिली कालिंदी कूल कदंब की डालन, उस कालिंदी नदी के किनारे पर कूल पर, कालिंदी कूल कालिंदी होती नदी, कालिंदी नाम की नदी, अर्थात उस नदी के किनारे पर कूल पर जो कदंब का पेड़ है उस कदंब के पेड़ की डाली पर बसा करूं। ये उनकी भावनाएं, इतना प्रेम करते हैं कृष्ण कि जहां जहां उन्होंने लीलाएं की हैं उन स्थानों पर बस। तो इस प्रकार से हम अच्छी तरह से ये देखते हैं कि रसखान के जो सवैये हैं वो इसी प्रकार के हैं, और इसके विषय में ये आपका सवैया भावार्थ रूप में हुआ। और इसमें अभी सीधे बैठे थे, इसमें बसम ब्रज, इस विषय में देखते हैं कि इसमें शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत सवैये में ब्रजभाषा की मधुरता है, कोमलता है, और यहाँ पर सरसता जो है वो दृष्टिगोचर होती है। और इसमें बसम ब्रज गोकुल गांव के गवारन नित नंद धेनु मजहर ने बसेरो करम कालिंदी कूल कदम की जो डारन है उसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। कवि की कल्पना शक्ति सौंदर्य देखने योग्य है, देखने लायक है, और संगीत लय छंद और प्रवाह की दृष्टि से ये जो प्रस्तुत सवैया है बहुत ही मनोहारी है, मन को हरने वाला है। तो इसी प्रकार से जो भाव सौंदर्य के विषय में देखें तो कवि रसखान जो है उसका ब्रज भूमि प्रेम अद्वितीय दिखाया गया है, जो कहीं दूसरी जगह दिखाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण करने की कामना की है। तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम यहाँ पर दर्शित होता है। इस प्रकार आप अच्छी तरह से इसे स्वाध्याय करें और फिर आगे बताएं।